गए हैं। सबके सब? हाँ सबके सब। आपको आज उनके बारे में पूछने का ख्याल कैसे आ गया? अरे मैं उनका बाप हूँ। हाँ ऐसा बाप खुदा करे कि कभी पैदा ही ना हो। तुम आज इतनी खफा क्यों? मेरी समझ में नहीं आता, घड़ी में लगती घड़ी में माशा हो जाती हो। दफ्तर से थक कर आया हूँ और तुमने ये चकचक शुरू कर दी। बेहतर था कि वहाँ दफ्तर ही में पंखे के नीचे आराम करता। पंखा यहाँ भी है, आप आराम तलब हैं, यहीं आराम फरमा सकते हैं। तुम्हारा ये तंज कभी ना जाएगा। मेरा ख्याल है तुम्हें ये चीज जहर में मिली थी। मैं कहती हूँ आप मुझसे इस किस्म की खुराफात ना बका कीजिए। आपके दीदों का तो पानी ही ढल गया है। अरे यहाँ तो सब कुछ ढल गया है, तुम्हारी वो जवानी कहाँ गई? मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ जैसे 100 बरस का बूढ़ा हूँ। ये तो आपके अमाल का नतीजा है भाई, मैंने तो खुद को कभी उम्र रसीदा महसूस नहीं किया। मेरे अमाल इतने सया तो नहीं, और फिर तुम्हारा शौहर होने के नाते तो मैं इतना भी महसूस नहीं कर सकता कि तुम्हारा शबाब और बुलू का तनाजुर है। मुझसे ऐसी जबान में गुफ्तगू कीजिए जिसे मैं समझ सकूं। ये तरुबा नजर क्या हुआ? अरे छोड़ो इसे, आओ मोहब्बत की बातें करें। आपने अभी अभी तो कहा था कि आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे 100 बरस के बूढ़े हो। अरे दिल तो जवान है। आपके दिल को मैं क्या कहूँ, आप उसे दिल कहते हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगी कि पत्थर का एक टुकड़ा है जो इस शख्स ने अपनी